हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 4 या प्रैक्टिस नंबर 4, जो कि आपको पता होगा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 2500 प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जो कि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा बेल आइकन घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आते ही पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और यदि आपने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे तो फ्रेंड्स, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिलेगा सेक्शन एमपी टेट ग्रेड 3 बाल विकास, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वन बाई वन करके सारे पार्ट वहां पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध मूल दुख चिंता एवं मूल शत्रुता के सम प्रत्ययों से है? आंसर हो जाएगा कैरन हार्नी का संबंध। अगला है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? उनका नाम होगा नाम चामुष्की। नए से कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे? आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अगला प्रश्न है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय से अभिव्यक्त कर रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा लैंगिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? प्रसुप्ति अवस्था में। नेक्स्ट है, किसने मध्या की भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा वार्क ने। नेक्स्ट है, जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की अंगुलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का उदाहरण है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा बेबिंस की। आंसर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बच्चा या बच्चों हेतु बेश्वलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्र मूर्ति। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? तो आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक। हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास या फिर बाल मनोविज्ञान का ब्लैंक सिद्धांत प्रारंभ से 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, क्या होता है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक। नेक्स्ट है, भाषा की सापेक्षता प्रकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इसका आंसर होगा वार्फ ने। नेक्स्ट है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका डार्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार से दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, आपको बताना है समाजीकरण से तात्पर्य शिक्षा के संबंध में क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। अगला होगा, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आंसर सामाजिक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, क्या विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो दोस्तों, किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा यह परिपक्वता तथा चलता है। ओके, नेक्स्ट है, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, क्या है?
स्कीमा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, तो दोस्तों कैसे? उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है क्या है? तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्या है? एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है क्या है दोस्तों? आनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? आंसर हो जाएगा शीर्षपदीय या आपादीय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डिफरेंस क्वेश्चन है, किसे किशोर मनोविज्ञानी के पिता के नाम से जाना जाता है? आंसर है स्टैनली हॉल। नेक्स्ट है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है दोस्तों? विश्वसनीयता, वैधता, मानक। अगला प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही नहीं अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते। अगला है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष के बाद। अगला है, प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में कितने विधि का निर्माण किया गया है? मोंटेसरी। नेक्स्ट है, क्या भाषा अवबोधन से संबंध विकार है? भाषा घात। अगला प्रश्न है, हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुनिश्चता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है क्या है? संज्ञानात्मक विकास। अगला है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषा किया है दोस्तों, परिभाषित किसने किया है? शॉर्ट टेन ने। दोस्तों परिभाषा है, डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आती हैं बाल विकास में, दो तीन आती ही आती हैं, आप लोग विशेष ध्यान दें क्योंकि घुमा घुमा के दे देते हैं। अगला है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषा किया दोस्तों, नेक्स्ट जी रिपीट हो गया है, ब्लैंक ने बाल के प्राकृतिक विकास पर बल दिया, किसने दिया है दोस्तों? मोंटेसरी ने। अगला है, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया है? आंसर है आपका टर्मन ने। अगला है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंख हाथ संबंधन। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को खाली स्थान आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दैहिक ना कि दैनिक। नेक्स्ट है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन के पिता कहा जाता है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आ रही हो पसंद तो प्लीज इसको लाइक करें ताकि मेरे को पता चले, थोड़ा रिस्पॉन्स मिले कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, या फिर बुरा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर दें ताकि कुछ तो पता चले अच्छा है या बुरा। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि और भी फैंस की हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्या कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकास आयाम पर बल दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवाद। ओके, नेक्स्ट है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है क्या है दोस्तों? WISC स्केल। दोस्तों यहाँ पर याद रख लेना, कभी कभी आपको अल्फाबेट क्रम में भी दी दिए जाता है, कभी यहाँ पर शब्दों के क्रम में दे दिया जाता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। अगला है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है क्या? कर सकता है संरक्षणात्मक समस्याएं सीखना। नेक्स्ट है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर
नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा, कौन सी विधि उपागम में समान प्रायोजियों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है क्या है, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न होगा, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण खाली स्थान प्रकट करती है। तो दोस्तों किशोर अवस्था। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों स्टैनले हॉल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा वृद्धि के साथ विकास भी होता है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक दिग भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। नेक्स्ट है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? आंसर हो जाएगा आपका 15 to 20 years, मतलब कि 15 से 20 वर्ष तक। नेक्स्ट है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हॉलॉक ने बोला था कि दो बालकों में समान योग्यता नहीं होती। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा असुरक्षा। नेक्स्ट है दोस्तों, आपने देखा होगा अभी तक एक से दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बार बार आता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्या है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रियाओं से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसी प्रकार से अगला है, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है, क्या है दोस्तों, आत्म गौरव। किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1904 में स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन हॉल का है। किसका डियर फ्रेंड्स, हॉल का है ना। नेक्स्ट है, किशोर प्रोणों को मार्ग से बांधा समझता है तो जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है, कॉल्सनिक का। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृद्धि वाले बच्चे के व्यवहार को क्या कहते हैं, अश्वीकरण। जी नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिफेंस क्वेश्चन है क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है क्या है, बताइए। तो डिफेंस इसका आंसर है वंशानुक्रम। क्वेश्चन है, ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं, हैविंग हर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट है, मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है क्या, व्यक्तिगत विभिन्नता। इसी प्रकार से अगला होगा, मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व विभिन्नता का अंश है, उपर्युक्त परिभाषा दी है किसने, स्किनर ने। इसी प्रकार से अगला है, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो विभिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है क्या, बाहरी विभिन्नता। अगला है, बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, आंतरिक विभिन्नता। इसी प्रकार से डिफेंस हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करे, स्वयं उन पर आचरण करे। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्या, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है किसका, अनुकरण तथा पुनर्वलन का। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है कब, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। नेक्स्ट है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, आंसर हो जाएगा वाद विवाद तर्क तथा चर्चा। अगला है, किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है,
आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग प्लीज इसको अवश्य याद रखें। नेक्स्ट है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के सामाजिक विकास के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं आती, कौन सी? सामूहिक शिक्षण। इसी प्रकार आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्या है, निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता तथा संवेगात्मक विभिन्नता। तो डियर फ्रेंड्स आपने देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी लास्ट ईयर तक रिपीट हुए हैं। यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो कंटिन्यू करने के लिए आप लोग कमेंट्स वगैरह कुछ करें और लाइक अवश्य करें एंड शेयर अधिक से अधिक करें। तब तक ले लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।